गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जी एस टी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फ्रेंड्स जी एस टी रजिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री काफी बड़े चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं इन रूल एट ऑफ जी एस टी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रूल एट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जी एस टी इसके अंदर जो हमारा सब रूल फोर था उसके बाद एक सब रूल फोर ए इंसर्ट किया गया था जिसे अब अमेंड कर दिया गया है और इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं क्या है ये रूल एट इसका सब रूल फोर ए और ये किस तरीके से वर्क करता है ओरिजिनल प्रोविजंस क्या हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और उसमें सेक्शन वाइज एनालिसिस जो कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं अब यहाँ पर जो ये रूल फोर ए है ये किस चीज की बात करता है ये अमेंडेड रूल है जो कि अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स लागू है ये कहता है वेयर एन एप्लीकेंट Other than a under 25, 6D. अब ये 25 के अंदर 6D क्या है ये हमने अपने प्रैक्टिकल कोर्स में में बहुत डिटेल्ड आपको समझाया है इसमें ये बातें लिखी हैं कि किन को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है यानी कि वो पर्सन जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल है उनके लिए प्रोविजन लागू होगा ठीक है तो वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन अंडर सेक्शन ट्वेंटी उनको छोड़ दीजिए जिनके लिए लागू ही नहीं है बात उनके करिए जिनके लिए लागू है उनके लिए क्या है ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और वो एप्लीकेशन फाइल करते समय ऑप्ट करता है फॉर आधार ही सबमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर सब रूल फोर जब आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको करना क्या है शेल गो अंडर आधार ऑथेंटिकेशन एंड द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन सच केसेस शेल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और फिफ्टीन डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ जी एस टी आर ई जी जीरो विच एवरलियर तो कहने का मतलब क्या है लेट सपोज आप एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहते हैं और आप एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आर ई जी जीरो वन फाइल कर रहे हैं अगर आप आर ई जी जीरो वन फाइल करते हैं और उसमें आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करना है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कब माना जाएगा वो सबमिट माना जाएगा ऑन द डेट जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 15 डेज का टाइम पीरियड जो है वो निकल जाता है तो इस दोनों में, जो वो पे आपका ए आर एन जो है वो जनरेट हो जाएगा पोर्टल ये मान लेगा कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है या आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट है और वो इस प्रोसेस को ऐसे ट्रीट करेगा कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन कभी भी कंप्लीट किया ही नहीं और आपने कभी भी चूज करा ही नहीं कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं तो सबमिशन के पंद्रह दिन के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो कर लीजिएगा नहीं तो पंद्रह दिन की समाप्ति होते ही एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा ए आर एन आपके पास आ जाएगा ये मानते हुए कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं और अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं एप्लीकेशन तो फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा आगे इसमें लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल फोर पर्सन जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया गया हु हैज ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया और आपका वेरिफिकेशन भी हो गया जीएसटी पोर्टल पे तो आपका डेटा एनालिसिस किया जाएगा आपके अगेंस्ट रिस्क पैरामीटर्स लगाए जाएंगे और उसे चेक किया जाएगा कि आपकी फर्दर वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं और अगर उस पैरामीटर्स में आपका नाम आ गया तो आपके लिए क्या होगा शेल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और सच इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द एप्लीकेंट एज नोटिफाइड ये ये सारे sections, section 25, 6A, 6B, 6C, 6D, क्या कहते हैं? के लिए हैं लिए लागू होते सारी चीजें आपको हमारे में ऑलरेडी कवर्ड बेसिकली कंपनीज फर्म के जो डायरेक्टर्स पार्टनर्स होते हैं उनकी बात करता है सिक्स बी बात करता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज में तो ऐसे सारे के सारे लोगों को जिनका रिस्क पैरामीटर्स या डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आधार ऑथेंटिकेशन के बावजूद भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो करवाया जाएगा उनका फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे आर 01 में उनकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो वेरीफाई करी जाएगी थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर तो यहां पर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया गया है जीएसटी के न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो अब आप जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो आपको इन नए प्रोसेस के थ्रू होकर के ही गुजरना होगा अदरवाइज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करी है अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी आपको अपडेट्स प्रोवाइड करा रहा है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए